तितली तितली तितलियां। तितलियां या फिर चंद्रबिंदी। मैंने बोला था तितलियां। ठीक है, अब आज आपको एक नई चीज पढ़ाएंगे, कारक। या कहावत कारक क्या होता है? कारक 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 आठ होते हैं। इसमें तुम इस पर देखोगी, स्क्रीन पर आठ लिखे हुए हैं, ठीक है? हाँ, तारक आठ होते तारक हैं, क्या होता है? संज्ञा अभी बता रही हूँ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहा जाता है। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद जोड़ते हैं। कारक के निम्नलिखित आठ भेद हैं। कर्ता कारक, इसको इस तरह से याद करते बहुत अच्छे, जल्दी याद होता है। कर्ता में कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर ऊपर संबोधन के अरे ओ। और वैसे अगर लिखेंगे तो हम इसके भेद में ऐसे लिखेंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध इसका मतलब क्या कारक। होता है? मैम अभी इनको आप लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, काफी इसे बड़ा कर सकते हो? बड़ा कारक है, दिखाई दे, दिखाई दे आपको। सर्वनाम ये क्या संज्ञा या सवराम के के, हाँ, जिस रूप से उसका सब वाक्य में आए उन अन्य सभी शब्द से से जाना जाना जाता गए, उसे है। उसे कारक कहा जाता है। कारक इन्ना यह संज्ञा इन्ना या सब सर नाम के सर्वनाम बाद जोड़ते हैं, के बाद जुड़ा है। जुड़ते हैं। कारक के निम्न निम्नलिखित 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 का मतलब नीचे लिखे हुए आठ भेद, भेद है। इट मीन्स काइंड, प्रकार। ओके, एक अब लिखो इसको, लिखते जाओ कॉपी में, लिखो इसे जो जब अभी बोला है मैंने। सार। हाँ, लिखने से समझ में आता है। आज की डेट डालो, 23 अगस्त। 23 अगस्त। ओके, okay। ऊपर लिख लो, कारक कारक। हाँ जी, हेडिंग देखो, कारक गया मैम। कारक पूरा लिखो। अब ये डेफिनेशन लिखो इसकी, संज्ञा या सर्वनाम।
संज्ञा बोलते हैं नाउन को, इंग्लिश में नाउन होता है। जो मैंने अभी पढ़ा था वो लिखना है। हाँ नहीं संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से जिस बोल बोल के लिखो। जितना बोल कर लिखूंगी उतना प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा आपका, और बोल कर लिखने से स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम होंगी। तब तक लिखो, मैं वॉशरूम जाती हूँ, और 1 मिनट में आती हूँ बस। ठीक है, आ जाओगे आप, लिखती ठीक रहो देख देख कर, फिर इसके बाद इसके भेद भी लिखने होंगे, पहले ये लिख लो। अच्छा कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं, ऐसे ओके लिखो, कारक कारक के निम्नलिखित जी 8 भेद हैं। मैं लिख रही हूँ अभी। लिखिए, ठीक बस इनके नाम लिख लो और मैं इसको समझा दूंगी आपको, नाम लिख रही हूँ अबे चाह आगे का मत लिखो। लिखूं। नहीं, बस कर्ता कारक नंबर 2, कर्म कारक ऐसे लिखते जाओ, ना मैंने ये नहीं लिखा अभी मैं वो लिख रही हूँ। कोई बात नहीं। लिखो आराम से, कर्म
नाम लिख दिया। आठों निकली। ओके, अब इसके आगे बस हम लिखो, या जहाँ करता नंबर वन लिखा हुआ है ने, ना पे एक ही मात्रा ने, करता ने, नंबर यानी वन लिखना है। ने। नंबर टू लिखा है कर्म का, इसके आगे लिखो को, कर्ता ने कर्म को, को को क्या है? को क्या पर ओ की मात्रा, ओ की मात्रा जानती हो? मैम, नंबर वन के बाद हमें लिखना है का। कर्म कारक लिखा हुआ है ना, जहाँ नंबर टू उसमें लिखना है हाँ, मैं को। नंबर वन पे हूँ। अच्छा, वन पे ने लिखो, वहां पे ने पर एक ही मात्रा, देखो इसमें लिखा हुआ भी है, क्रिया करने वाली विभक्ति चिन्ह ने, चिन्ह ने, इसका चिन्ह ने होता है। फर्स्ट वाला लिख अभी दिया। हाँ, अब सेकंड वाला लिखो को लिखा हुआ है इसमें, देखो जिस पर क्रिया का फल पड़े, सेकंड वाला को लिख ये लिखूं ना, कमर कारक। कुछ मत लिखो, कर्म कारक लिखा हुआ है ना, इसके आगे बस को लिख लो, डैश लगा लगा कर, जैसे इसमें डैश लगा हुआ है ऐसे लगा ले, निकाल लिया डैश फर्स्ट वाले पे। और को लगा दे, को लिखा हुआ है ना, ओके, ये क्या पर ओ की मात्रा को, क्रिया तो क्रिया ये सारा ने, कारण ने ये सारा ने लिखो। वाले वि भक्ति नंबर तीन ने कभी कभी कई कोई चाहते चिन्ह नहीं। नहीं, कोई दो चिन्ह नहीं होता कभी कभी, अमर जैसे मैंने राम को पुस्तक दी, रख। मैंने राम को पुस्तक दी, किसको दी? राम को, तो राम क्या हो जाएगा? कर्म कारक। मैंने, मैं पे ने लग गया, मैंने तो ये कौन सा कारक थी? कर्ता कारक, सेकंड काम कर, कर्ता वाला मतलब कर्ता माने कमर का। काम करने वाला, और कर्म माने जो काम जिसके लिए किया जा मैम रहा है। ये लिखना है क्या? कुछ नहीं लिखना, तो समझना तो थोड़ा सा। नंबर थ्री करण हाँ कारक मैं लिखा है, नंबर रीड करूँ। नंबर वन है कारक कारण, ठीक कारण नहीं है, लिखना है, ने लिखना है अमर कर्ता कारण कारक। जिस पर या अरे ये बेटा, ये सारा नहीं लिखना है, ने का लिखना है केवल, फल इतना प्रभाव पेड़ के कभी कभी कोई जी हो इतना सारा याद नहीं नहीं। कर पाओगी तुम, बड़ा तो क्या करना है? इसमें एक एक शब्द लिखो जो मैं बोल रही हूँ। कर्ता कारक जहां पर लिखा है उसके आगे डैश लगाकर ने लिखो बस, ने पर एक मात्रा ने। हाँ, सत्र कारण के साइड डैश लगाओ और और लिखो ने ने। लिखो, ने लिखो। लिख दिया। कर्म अब कर्म कारक के आगे डैश लगाकर लिखो को, कह पर ओ की मात्रा को, कर्म कमर कारण कर्म कमर नहीं है, कर्म कारण कारक माने काम। कर्म नंबर तीन है करण कारक, कर्म इसलिए आगे डैश लगा दो, लिखो से। कमर कारक के साइड डैश लगा के क्या लिख रहे हैं? कमर कारक के वो लिखना है, नहीं है वो, कर्म है। वो लिख दी। को क्या पर नेक्स्ट उसकी मात्रा को, नेक्स्ट नंबर करण करण कारक, कारक करण कारक डैश, करण कारक
कर्म का। मामा आप क्या, से। बारिश हो रही है क्या? हाँ बारिश हुई। से पर एक मात्रा मैम से करण मैं अभी करण कारक लिख रही हूँ। करण कारक के आगे क्या आएगा? कारक तो पहले लिख लिया होगा आपने, एट लिखे है ना करण नंबर, पहले कारक तो मैं अभी लिख रही हूँ ना। क्यों नहीं लिखा था? तुम तो कहते मैंने लिखी 8 के 8 नंबर। मैम मैंने बोला मैंने अभी फर्स्ट नंबर भी नहीं लिखा, मैंने तो अभी स्टार्ट। तुमने तो कहा था मैंने 8 लिख ली है। चलो कोई बात नहीं, मैं देखो करण कारक अभी कर्ण कारक का क्या है, डैश लगाओ। डांस लगा दिया। हाँ से पर एक ही मात्रा से पर एक ही मात्रा से नंबर 4 संप्रदान कारक। देखो लिखा हुआ है ना मैम नंबर अभी मैं फोर, लिख रही हूँ, मुझे लिख देख लो कोई बात नहीं आराम से लिखो। थोड़ा सा जल्दी लिखने की आदत डाल। संप्रदान लिख रही हूँ। सन प्रधान कारक डैश लगाओ के लिए, इसके कारक के, बारे संप्रदान कारक के बाद क्या लिखना है डैश लगाकर? में कहते और एक ही मात्रा। देखो इसमें लिखा हुआ लाइन में सबसे लास्ट वाले वर्ड है के लिए, क्या पर एक मात्रा के ये पर। लिखनी है। हाँ देख देख कर लिख लो के लिए, जैसे कहते हैं ना मैंने राम के लिए किताब दी, मैंने राम के लिए खाना दिया, मैंने राम मोहन के लिए कपड़े दिए, तो लिए लिख वहां, दिया। हाँ तो वहां पे संप्रदान कारक होगा। नंबर 5 है अपादान कारक। अपादान देख कर लिखो नंबर 5। मैम मैं अभी लिख रही हूँ। नंबर 5 अपादान कारक। मैम मैं लिख रही हूँ अभी। हाँ लिख लो फिर डैश लगा दो। इसका चिन्ह भी से होता है लेकिन से अलग होने में आता है, जैसे छत से बच्चा गिर गया, छत से बॉल गिर गई, पेड़ मैम से पत्ते गिर गए, तो आया तो से लेकिन अलग हो रहे पत्ते पेड़ से। छत से बॉल गिर गई, छत से बॉल गिरती है तो नीचे अलग हो जाती है ना। से अलग होना करके कॉमा कर दो, अलग अलग मैम मैंने इसको फोर्थ लिख दिया संभव। फोर्थ पूरा कर लो संप्रदान कारक। मैम फिफ्थ वाले का क्या है?
अपादान कारक मैंने लिख दिया वो तो। लिख दिया, से चिन्ह लिखो, हाँ से सब एक मात्रा से। अच्छा सी कमा, नेक्स्ट नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक, डैश लगा दो। इसका चिन्ह होता है का, की, कारक के, इसमें लिखा संबंध हुआ है, डैश के बाद क्या होगा उसका? लगाओ, डैश लगाओ। लगा लिया। हाँ अब इसमें देखो लिखा हुआ सबसे लास्ट में, का की के रा री रे। लिखूं हाँ लिखो, देख देख कर लिखो, के पर आखिरी मात्रा का। मैम, लिख दिया 7th वाला। डैश भी लगा दिया, बता दीजिए। नंबर 7 अधिकरण कारक। नंबर 7 का क्या लिखना है? इतना डैश लगा कर लिखो, मैं इसमें लिखा हुआ लास्ट ही यहाँ पर एक ही मात्रा और बिंदी, मैंने मैं कॉमा बताया। पर पैर है, पर जैसे छत पर, पहले मैम 8th वाला क्या है? नेक्स्ट इसको तो लिख लो, पर नेक्स्ट ऊपर कॉमा करके लिखो, ऊपर छत के ऊपर की मकान के ऊपर, नंबर 8 है संबोधन कारक। छत के ऊपर लिख दिया 8th वाला। 8th का क्या है? संबोधन कारक लिखो, कोई लिख दिया था ऑलरेडी, बात नहीं, डैश लगाओ। डैश लगा दी। अब इसके लास्ट में सिर्फ लिखा है, हे अरे, ये लिख देती हूँ। अरे ठीक देख देख के लिखना है, पर एक ही मात्रा, हे अरे, अरे एक ही मात्रा, रे, जैसे कहते हैं ना, हे राम इधर आओ, ठीक अरे रीता मेरी बात सुनो, हाँ मैम। तो ये संबोधन हो गया, किसी को एड्रेस करके बोलते हैं लोग। अभी जैसे अब समझ लो इसको, कारक कारक चिन्ह पर सर्ग, समझने के लिए निम्नलिखित देखें, तालिका का मतलब होता है लिस्ट, तो देख कर्ता का कैसे बनेगा, आयुष ने पुस्तक पढ़ी, आयुष नाम है किसी बच्चे का, आयुष ने, तो कर्ता चिन्ह कौन सा आ गया, ने, किसने पढ़ी, आयुष ने पढ़ी, आयुष ने पढ़ी। नो हेल्पिंग ने आ गया ना। वर्ड। हाँ दूसरा कर्म कारक, ओजस ने आयुष को पुस्तक दी, ओजस भी किसी बच्चे का नाम है, ने, ने तो यहाँ पर तो हो गया कर्ता कारक, और कर्म कारक कौन हो गया, किसको दी, आयुष को, आयुष हो गया कर्म कारक। कारण कारक देखो, माँ चाकू से सब्जी काटती है, किससे काटती है, किसकी सहायता से काटती है, मालिक है। मैम मालिक कहाँ पे आ गया इसमें, माँ
चाकू से सब्जी काटती है, किससे काटती है सब्जी? चाकू। चाकू। तो चाकू से ये करण कारक हो गया। ठीक, सी आई गेस सी। तो चाकू करण कारक हो गया। आप बताइए मैम। आगे देखो, सम प्रधान कारक। मनोज ने ओजस के लिए खिलौने लाए। मनोज ने, कोई जरूरी नहीं है, मनोज ओजस के लिए खिलौने लाए। उसका वो मीनिंग मे मी नहीं, ओजस के लिए जो है सम प्रधान मी कारक है, मी किसके लिए लाए? ओजस के लिए। तो ओजस में सम प्रधान कारक हो गया। बादाम पेड़ से फल गिर रहे हैं। पेड़ से, हाँ, पेड़ से फल गिर रहे हैं तो तो ये हो गया गिर अबादान। होगा। गिर 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 हाँ, गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना, तो पेड़ से। आगे फिर देखो, अपादान ने, यह घर अंशु का है। उपादान नहीं होगा यहाँ पर, संबंध कारक होगा। ओके यह घर, हाँ, किसका है? अंशु सो का। अंशु तो अंशु क्या हो गया? संबंध कारक। नाम के बारे में ये। हाँ, नाम हो गया किसका? अंशु का। नेहा के पिता लेखक हैं, ये भी संबंध कारक। नेहा हाँ, नेहा के, है हाँ नेहा ना। के अब विनोद की बहन अच्छा नाचती है। विनोद की, विनोद की विनोद जो है संबंध का रखी है। अधिकरण, पतीले में दूध रखा है। किसमें रखा है दूध? पतीले में। तो पतीले में होता है अधिकरण का रख। रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। किस पर सूख रहे हैं कपड़े? रस्सी रस्सी पर पर। तो पर भी किसका चिन्ह होता है? अधिकरण कारक। हम और संबंध सबसे लास्ट वाला है, संबोधन है। इसमें उदाहरण दिया नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ, बहुत इजी है। अरे मैम लिखी होगा इस वाले का, आठवें किसका? वाले का। 8वें का तो जैसे हे अरे शब्द होते हैं। हे राम, अरे राम इधर आओ, अरे राम, अरे अरे राम कर। बोल हाँ, तो हमने राम को अरे कहकर भी बुलाया। अरे राम, अरे इधर आओ, राम इधर आओ, अरे राम। तो अरे क्या हो गया? संबोधन का चिन्ह हो गया। और हे राम, तुमको तो बहुत चोट लगी है। तो ये भी संबोधन का चिन्ह हो गया। ठीक है, अब इसको पढ़ के देखना घर में एक बार। ऊपर डेफिनेशन पढ़ना, नीचे आठों कारक पढ़ना, और उनकी ये बस था कि नाम को कैसे लिख सकते हो किसी चीज में। हाँ चिन्ह जो है उसके बाद लगता है, कोई भी संज्ञा के बाद लगता है। तो क्लास खत्म हो गई, चलिए बस टाइम खत्म ही हो रहा है थोड़ा सा। आइए, कर सकते। हाँ, लीव कर सकते? जाना है कहीं? नहीं इसके बाद क्या करती हो? एक क्लास है मेरी, एक और लॉन कौन सी? टेनिस। अच्छा।